आज मैंने आलू मटर गोभी की सब्जी बनाई है। ये सब्जी बहुत ही खुशबूदार और टेस्टी सब्जी बनी है और कम तेल से बनाई है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाई है। हेलो गाइस, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये सब्जी बनाने के लिए मैंने एक चम्मच तेल गरम कर लिया है। इसमें मैंने जीरा और तेज़पत्ता डाल दिया है। अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं। प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया था और इसे भून लेते हैं। और ये सब्जी हम कम तेल से ही बनाएंगे, ज़्यादा तेल यूज नहीं करेंगे। अब हम इसमें अदरक डाल देते हैं। अदरक को भी मैंने पहले ग्रेस करके रख लिया था। आप इसमें अदरक कूट कर भी डाल सकते हैं या फिर टमाटर के साथ पीस कर भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसमें टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन का प्यूरी डाल देते हैं। तो ये देखिए, ये टमाटर की प्यूरी डाल दी है। इसे पका लेते हैं। टमाटर को मैंने पका लिया है। अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है और इसे मिक्स कर देते हैं। आप इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें गरम मसाला नहीं डाला है। और अब हम इसमें मटर डाल देते हैं। मटर मैंने हल्के से बॉईल कर लिए थे। आप कच्चे भी डाल सकते हैं। कच्चे डालने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए पकाएं और फिर इसमें गोभी और आलू डाल सकते हैं। तो मटर मैंने मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसमें आलू और गोभी डाल देते हैं। आलू गोभी को भी मैंने हल्का सा उबाल लिया है नमक और हल्दी के पानी में। ये देखिए, इस तरीके से सब्ज़ी बनाएंगे तो जल्दी से बनके तैयार हो जाती है और टेस्टी सब्ज़ी बनती है। आप भी एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें और ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करें। आलू गोभी को मैंने मिक्स कर दिया है और अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढककर पका लेते हैं। आप इसे बीच में चेक कर सकते हैं और मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। ये देखिए, 2 मिनट हो चुके हैं और सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है। ये सब्ज़ी हमारी बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाकर देखिए। अब हम इसमें कड़ी पत्ता ग्रेस करके डाल देते हैं। कड़ी पत्ते की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। आप भी इस तरीके से बनाइए। और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नई रेसिपी देखने के लिए। और दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलूंगी नई रेसिपी के साथ।